जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम जानते हैं कि फ़ोन पे का नया अकाउंट कैसे बनाते हैं और फ़ोन पे से पैसे का लेन देन किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है, ये प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें फ़ोन पे सर्च करना है, यानी लिखना है फ़ोन पे, सर्च करना है। फ़ोन पे का एप्लीकेशन आ गया, फिर इसे हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में कुछ टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में, हो जाएगा जल्दी। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें अपना नंबर डालना है, यानी वो नंबर डालना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में दिया गया है वही नंबर आपको इसमें डालना है, ताकि वेरीफाई होने में आसानी हो। तो दोस्तों इसमें अपना नंबर डाल देते हैं, जो आपका नंबर हो अपना नंबर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपना नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, फिर इसमें नंबर डल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाउ कर देना है, यहाँ पे जो भी है किसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में दोस्तों करना क्या, हमें ये फ़ोनपे का अकाउंट तो ओपन हो गया, बट अब इसमें कुछ डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, तब जाकर दोस्तों आप इसको फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैसे का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए करना क्या, हमें पहले सबसे पहले जाना है यहाँ पे, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में जाकर यहाँ पे अपना फुल नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आधार कार्ड में आपका नंबर नाम डाला हुआ है वो नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पे देखिए अपडेट चेंज का ऑप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चाहते हैं अगर अपना इमेज लगाना, फोटो लगाना चाहते हो, देखिए यहाँ पे कैमरे का निशान आ रहा है, इस कैमरे के निशान पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपको प्रोफाइल में जो भी आपका इमेज है, जो भी आपका फ़ोटो है, उसको आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से तो आप फोटो अपलोड कर देंगे और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर देंगे। एड्रेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके, यहाँ पे सेव एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ से एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पे मेल आईडी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, इसका वेरीफाई पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, 5 डिजिट का 5 नंबर का, उसको आप यहाँ पे डाल कर, जैसे कि 1 2 3 4 5, उसके बाद में ऐसे जो भी ओटीपी जाएगा उसको इसमें डाल कर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ये डिटेल्स। अभी फिर आपको बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है वो आपको बता रहे हैं। तो फिर बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए एड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे फिर वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद में दोस्तों यहाँ ये देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपका शो करने लगा, उसके बाद करना क्या, हमें सेट पिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है, 6 डिजिट का ओटीपी होगा, उसको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में आपका 4 या 6 नंबर का पिन बनना होगा, जिस तरह से ATM का पिन बनाते हैं उसी तरह से UPI का पिन बनेगा, 4 डिजिट का होगा या 6 डिजिट का होगा, यानी नंबर का। उस तरह से आप अपना UPI के पिन बना लेंगे, और UPI के पिन बना के फिर उस तरह से आप ट्रांसफ़र पैसा लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।